मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों अभी सुबह के 8 बज चुके हैं और मैं अभी जा रहा हूँ फ्रेश होने के लिए। तो फ्रेश होने का सबसे पहले मैं अभी काम करता हूँ कि बाहर गाय लोग हैं तो इन लोगों को रोटी खिलाने के लिए पहले चलते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं गाय लोगों ने अगर पहले रोटी खिला देते हैं। और बड़ी माँ इधर बैठी हैं और हंस रही हैं, आप देखिए। तो बाहर में ही एक गाय है, अभी मैं बुलाता हूँ और रोटी देता हूँ। तो ये जो गाय लोग हैं जब भी इधर से गुजरते हैं तो यहीं घर में थोड़ा देर रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का यहाँ घर में कुछ ना कुछ देते हैं गाय लोगों को खाने के लिए। तो यहाँ देखिए युवराज जो है अभी सो रहा है और बगल में अभिजीत बैठा है। अभिजीत इसलिए बैठा है ताकि बच्चे लोग तो जानते हैं ना कि उठने के बाद में वो अचानक इधर उधर भागते हैं, तो कहीं पलंग का नीचे ना गिर जाए बोल के अभिजीत जो है वो बगल में लेटा हुआ है और युवराज को देख रहा है। नहा के फ्रेश हो चुका हूँ मैं और अभी चाय नाश्ता करूँगा, किया नहीं हूँ। बाहर अंडा वाला आया है तो अभी जाके थोड़ा अंडा ले लेता हूँ। और दोस्तों आज जो है आज 20 अगस्त आज मुहर्रम है, तो अगर कोई मेरे मुस्लिम भाई बहन अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो उनको मुहर्रम का बहुत बहुत बधाई। ये देखिए बाबू इधर खेल रहा है माँ का साथ में। कितने ला चाली। तो अभी मैं नाश्ता कर रहा हूँ। रोटी डेली डेली कितना खाएंगे रोटी, उसीलिए आज मैं बोला कि थोड़ा सा मैगी बनाओ, मैगी खाएंगे। और आप देख सकते हैं कि मैं मैगी खा रहा हूँ अभी। तो बाबू आज जा रहा है संबलपुर अपना नाना नानी का घर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और मेरा छोटा ब्रदर इन लॉ जो है वो भी आए हैं घर में। तो ये देखिए बाबू को अभी रेडी भी हो चुका और खेल रहा है अभी। और आज अभिजीत का स्कूल छुट्टी है मुहर्रम के लिए, तो आज अभिजीत स्कूल गया नहीं। और ये देखिए बाबू को खेल रहा है। और ये देखिए युवराज जो अभी से जाके ऑटो में बैठ गया है, सोच रहा होगा शायद ट्रेन मिलेगा या ना मिलेगा, उसलिए पहले से जाके बैठ गया है ऑटो में। और अभी अभिजीत गया है नहाने के लिए।
आइए दिखाता हूँ। अभिजीत जो है नहाने के लिए हमेशा बहुत देरी करता है, जल्दी नहाता नहीं है, कहते रहता है कि नहीं ठंडा लग रहा है, बाद में नहाऊंगा, बाद में नहाऊंगा।